इस परिवार की चमकी किस्मत, एक दिन में बन गए करोड़पति। कहते हैं कि इंसान का कोई पता नहीं कब क्या उसके साथ क्या हो जाए, और इसी तरह इंसान की किस्मत कब और कहां और कैसे बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक ऐसा ही मामला पंजाब में संगरूर के दिहाड़ी मजदूर के परिवार में हुआ, जहां उनकी किस्मत ऐसी पलटी मारी कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। लगाना झटका, लेकिन यह सच है। एक गरीब मजदूर का परिवार 1.5 करोड़ का मालिक बन गया। दरअसल हुआ यह था कि पंजाब में संगरूर दिहाड़ी मजदूर मनोज की बेटी ने पैसे उधार लेकर राखी बंपर लॉटरी के 2 टिकट खरीदे थे। इसी लॉटरी से यह सब हुआ। मांडवी गांव के मनोज कुमार भट्टे पर दिहाड़ी मजदूर का काम कर गुजारा करते थे। उनके परिवार को लॉटरी में 1.5 करोड़ की जीत हाथ लगी है। उनके परिवार वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि वो करोड़पति बन गए हैं। मनोज का परिवार काफी गरीबी रेखा के नीचे अपनी जिंदगी जी रहा था। उनके परिवार में कुल 7 सदस्य हैं, जिनका गुजारा मनोज ही अपनी तनख्वाह से बड़ी मुश्किल से करता है। उनको मजबूरी में एक टूटे हुए घर में ही रहना पड़ता था, लेकिन हाल ही में उनकी बड़ी लड़की की शादी हुई थी, इसके कारण उन पर कर्जा भी हो गया और आर्थिक तंगी से भी परेशान हो गए थे। एक दिन मनोज की बेटी के पास टिकट लेकर एक लड़का आया। उसने पड़ोसी से पैसे उधार लेकर अपने लिए 2 टिकट खरीद ली। कुछ दिन बाद फिर से वो आया, लेकिन अब की बार उनको जो लॉटरी जीती थी उसके पैसे देने आया था, पूरे 1.5 करोड़ रुपए। सुन सब हक्के बक्के रह गए।